हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और इसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। अगर हम वेडनेसडे के दिन यानी कि हमारी मंथली एक्सपायरी के दिन मार्केट की बात करते तो निफ्टी एक फ्लैट सी ओपनिंग देता है 18,093 की, और वहीं पर ही अपने दिन का हाई बना लेता है 18,100 का, और वहां से मार्केट नीचे की साइड की डायरेक्शन पकड़ता है। और जैसे ही हमारा 18,000 की सपोर्ट कटती है, जिस रेंज में मार्केट काफी टाइम से घूम रहा था, और उसके कटते ही हमें वहां से एक अच्छी खासी नीचे की साइड की मूवमेंट देखने को मिलती है। 70,846 का वहां पर लो बनता है, मतलब कि मार्केट ने फिर से 70,800 के पास से सपोर्ट पकड़ी, और वहां से मार्केट एक छोटी सी रेंज में पूरा का पूरा दिन निकाल देता है। सेकेंड हाफ में कोई भी मार्केट में हमें ऐसा मौका नहीं मिला जिस पर चौका मारा जा सके, इसलिए सेकेंड हाफ में हमारे पास कुछ करने को नहीं मिला था। लेकिन फर्स्ट हाफ में हमें एक अच्छी मूव मार्केट दे चुका था। अगर आप लोगों ने वीडियो को देखा होगा तो आप लोगों को आ चुका होगा मजा। इसी के साथ साथ मार्केट की क्लोजिंग होती है 70,892 की। इसी के साथ साथ अगर हम FIA और DIA डाटा की बात करते हैं तो FIA ने 2400 करोड़ की सेलिंग करी है, वहीं पर DIA ने 1380 करोड़ की बाइंग करी है। नेट में सेलिंग का फिगर मेजर फिगर है जो हमारे लिए नेगेटिव हो जाता है। इसी के साथ स्टॉक इन फोकस के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट मार्केट लव अफेयर सर्च करके वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ साथ अगर आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या किसी भी इंश्योरेंस सेक्टर में कुछ भी ओपन करवाना हो या कोई भी आप लोगों की क्वेरी हो तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक और उसी के साथ साथ हमारी टीम का हेल्पलाइन नंबर मिल जाएगा, जहां से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो और आपकी क्वेरी को जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। इसी के साथ एक स्टॉक को डिस्कस करते हैं, टाटा स्टील। टाटा स्टील हमारे फोकस में रह सकता है बिकॉज इसने अपने कप विद हैंडल का ब्रेकआउट दिया था, और जहां पर 121 के लेवल पर इसका ब्रेकआउट था, अब वहीं पर ही घूम रहा है तो हमारे पास फोकस में रह सकता है बिकॉज ये उसे रिट्रेस करने आया है। इमीडिएट फोकस में है लेकिन छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। अगर हम इसकी इमीडिएट सपोर्ट की बात करते हैं तो 118 के पास भी हमें इसकी एक इमीडिएट सपोर्ट मिलने वाली है, और अगर मैं मेजर सपोर्ट की बात करूं तो वो तो अब हमारे पास आ जाती है 114 की, जहां पर तो अगर इस लेवल पर तो हमें अगर देखने को मिलता है तो एक अच्छा जोन आ जाता है हमारे पास। एक छोटे से स्टॉप लॉस की हमेशा यहां पर रिक्वायरमेंट रहेगी। हालांकि मेटल सेक्टर काफी ज्यादा फोकस में चल रहा है, लेकिन फिर भी क्योंकि मार्केट न्यूट्रल टर्न में है, हमें एक छोटा सा स्टॉप लॉस रिक्वायरमेंट रहने वाली है। लेकिन यह कोई भी इन्वेस्टमेंट की टिप नहीं है, यह सिर्फ एजुकेशन लर्निंग और केस स्टडी पर्सपेक्टिव ही रहने वाला है। फिर भी अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछकर ही काम करें। अब अगर हम कल के निफ्टी की बात करते हैं तो फिर से हम निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं। तो हमारी लास्ट टाइम बात हुई थी कि जिस भी रेंज को ये तोड़ेगा, इस साइड को तोड़े या इस साइड को तोड़े, हमें उस साइड का एक बड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और आप खुद देख सकते हैं जैसी ये रेंज टूटती है 18,000 की, और हमें एक अच्छी खासी मूवमेंट मिल चुकी थी, और सेकेंड हाफ में तो मार्केट एक छोटी सी रेंज में निकाल देते हैं। अब अगर हम आगे की बात करते हैं तो एक बार तो ये इस रेंज से तो बाहर निकल चुका है, लेकिन अगर आप यहाँ पर निफ्टी के वन डे कैंडल को चेकआउट करते हो तो आपको पता लगेगा कि मार्केट अभी भी छोटी सी रेंज में है। मैं आपको दिखाता हूँ वो कैसे, एक सेकेंड। तो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो, डिलीट इट। तो मैंने यहाँ पर ये बना चुका हूं, अब आप लोग चेक कर सकते हो कि जहां पर मार्केट फिर से एक छोटी सी रेंज में ही घूम रहा है। अगर हम डेली कैंडल चार्ट पर देखते हैं, एक छोटी सी रेंज में ये जिगजैग कर रहा है 18,300 से लेकर 70,750 के करीब की। तो अब हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम करने वाली है वो यही लेवल करने वाला है 70,700 से 800 की रेंज, क्योंकि जहां पर ये बार बार सपोर्ट ले चुका है तो हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम अगर इसको तोड़ता है तो हमें 17,500 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, जो इसकी 200 की मूविंग एवरेज भी है। अगर इस रेंज पर आता है तो हमारे पास काफी ज्यादा स्टॉक फोकस में आ जाएंगे स्विंग ट्रेडिंग के लिए, और उसके लिए आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। जैसे ही इस लेवल के आसपास हमें मार्केट देखने को मिलती है तो वहां पर हमारे पास एक अच्छा मौका मिलने वाला है हमारे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के फेवर में। अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं तो देखो, इमीडिएट स्ट्रेंथ तो हमें मिलेगी 18,050 के ऊपर मार्केट में, जो हमारे लिए पहला रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। 18,050 एक बार रेजिस्टेंस का काम करने वाला है, अगर वहां से मार्केट पलट सकती है तो वहां पर हमें ध्यान देना पड़ेगा।
अदरवाइज अगर मार्केट 80,050 के ऊपर सस्टेन करने लगी तो वहां पर हमें एक ऊपर की साइड की मूवमेंट भी देखने को मिल सकती है। और जैसे ही ये 18,300 की रेंज जो हमारे लिए एक मेजर सिरदर्द बना हुआ है, इसके ऊपर जब तक मार्केट सस्टेन करना शुरू नहीं करती तब तक के लिए मार्केट में हमें एक बड़ी अपॉर्चुनिटी ऊपर की साइड नहीं मिलेगी। इन शॉर्ट अगर बात करें 18,300 के ऊपर हमारे पास एक अच्छा बाइंग एरिया आ जाता है जहाँ पर हम पोजिशनल कॉल्स को भी उठाने के बारे में सोच सकते हैं और साथ साथ हमारी क्वांटिटीज को भी इजिली इंक्रीज हो जाएगी बिकॉज वहां पर जाकर हमारा मार्केट भी अप ट्रेंड में आ जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को इस डिस्कशन में मजा आया होगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।